back. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ निम्रा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा में जाली वेबसाइट्स के जरिए धोखे का इंकशाफ। असल वेबसाइट्स के जाली वर्जन तेज़ी से ख़त्म हो जाते हैं। नौ सरबाज असल वेबसाइट जैसी जाली वेबसाइट बनाकर लोगों को धोखा देते हैं। इसराइल को असलहा बरामदगी पर कैनेडियन वजीर खारजा के खिलाफ मुकदमा। इसराइल को इमदाद रोकने का मुतालबा। फलस्तीन के हामी ग्रुप का कहना है कि इसराइल की मदद जुल्म और काबिल मुजम्मत है। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी ने पाकिस्तानी नजाद ज़ीशान हामिद को उम्मीदवार नामजद कर दिया। ज़ीशान हामिद मिल्टन शहर के रीजनल काउंसलर रह चुके हैं। ज़ीशान हामिद को मजबूत सियासी ग्रुपों की हिमायत हासिल है। अमरीकी शहर लुइसियाना में तूफ़ानी बारिशों से तबाही, आमदोरफ्त मुअत्तल। अमरीकी शहर लुइसियाना की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। ट्रैफिक की रवानी के लिए सैलाबजदा इलाकों में पुलिस यूनिट मौजूद। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। ऑनलाइन फ्रॉड से बचना बहुत सी कैनेडियन के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन कंपनियां और एंटी फ्रॉड प्रोफेशनल्स सार्फिन को खबरदार कर रहे हैं कि वो सर्च इंजनों पर जाली फहरिस्तों पर नज़र रखें। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ऑनलाइन फ्रॉड से बचना बहुत से कैनेडियनों के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन कंपनियां और एंटी फ्रॉड प्रोफेशनल्स सार्फिन को खबरदार कर रहे हैं कि वो सर्च इंजनों पर जाली फहरिस्तों पर नज़र रखें जो लोगों को वाकिफ कंपनियों और ब्रांड्स के फ्रॉड वर्जन की तरफ भेजने की कोशिश करते हैं। ये फहरिस्तें मौजूदा कारोबार के तौर पर जाहिर करती हैं और इसमें नए सर्च रिजल्ट्स शामिल होते हैं, या तो सार्फिन को ऐसी जाली वेबसाइट की तरफ हिदायत करते हैं जो असल चीज़ से मिलती जुलती नज़र आती है, या ऐसे फ़ोन नंबर फराहम करते हैं जो हकीकत में कंपनी को जेरे बहस नहीं लाते। साइबर सिक्योरिटी के माहरीन के मुताबिक नकली जाली कारोबार का मसला बढ़ रहा है। माहरीन का कहना है कि उन्हें अक्सर ऐसी नकली वेबसाइट्स का सामना रहता है जो असल से मिलती जुलती हो या किसी हकीकी कारोबार वाली वेबसाइट की नकल कर रही हो। इन फ्रॉड को पेशगी रोकना मुश्किल है। माहरीन का कहना है कि सिर्फ एक ही चीज़ जो की जा सकती है, अगर कोई उन साइट्स पर आए तो उसे रिपोर्ट करें। सार्फिन और कारोबार दोनों ही धोखाधही वाली वेबसाइट्स और फहरिस्त साजी की इतला सर्च इंजनों या अदायगी की प्रोसेसिंग कंपनियों को दे सकते हैं। माहरीन ने इस बात का इम्कान जाहिर किया है कि इन जाली फहरिस्तों की तरह धोखाधही से हासिल होने वाली आमदनी दुनिया भर में गैर कानूनी सरगर्मियों को फंड में जाती है। वफाकी हुकूमत के पास मुमकिन धोखाधही की सरगर्मी की इतला देने और जांचने के लिए वसाइल भी हैं। अगर आपको लगता है कि आपको धोखा दिया गया है या आप किसी बदनीयती पर मबनी वेबसाइट पर हैं, तो उसकी इतला कैनेडियन एंटी फ्रॉड सेंटर को दें। फलस्तीनी कैनेडियन के ग्रुप ने वफाकी हुकूमत पर इसराइल को फौजी बरामदात रोकने के लिए मुकदमा दायर किया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
फलस्तीनी कैनेडियनों के ग्रुप ने वफाकी हुकूमत पर इसराइल को फौजी बरामदात रोकने के लिए मुकदमा दायर किया। दरख्वास्त गुजारों का दावा है कि कैनेडा फौजी बरामदात की मंजूरी देकर बैन अल-अक़वामी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों को कम कर रहा है। फलस्तीनी कैनेडियन और इंसानी हकूक के वकला का एक इतिहाद वफाकी हुकूमत पर मुकदमा कर रहा है कि वो इसराइल को कैनेडा की फौजी बरामदात को रोके। ये मुकदमा मंगल को कैनेडा के वकला बराए बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक अल हक लॉ इन द सर्विस ऑफ मैन, एक फलस्तीनी इंसानी हकूक की तंजीम और मुतअद्दिद कैनेडियनों ने दायर किया है जिनके खानदान के अफराद गजा में मारे गए हैं। मुद्दई वफाकी अदालत से इस्तदा कर रहे हैं कि वो कैनेडियन हुकूमत को इसराइल को फौजी साजो सामान की बरामदाद की इजाजत नामे जारी करने से रोकने का हुक्म दे। मुकदमे के पीछे इतिहाद के एक रुकन हमाम फरख ने कहा, यह जालमाना और काबिल मजम्मत है कि हमारी हुकूमत ने इसराइल के मजालिम को मादी मदद फराहम करना जारी रखा है और साथ ही साथ उन्हीं मजालिम के मुतासरीन की इंसानी इमदाद को भी बंद कर दिया है। मुकदमे में खास तौर पर वजीर खारजा मेलानी जूली और वजीर इंसाफ आरिफ वीरानी का नाम लिया गया है। इतिहाद ने कहा कि उसने जूली को एक खत लिखा जिसमें बरामदी इजाजत नामों को रोकने का मुतालबा किया गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कनाडा के सूबे ओंटेरियो में बरसर इकतदार प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी ने मिल्टन शहर के जिमनी इलेक्शन में पाकिस्तानी नजाद ज़ीशान हामिद को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे ओंटेरियो में बरसर इकतदार प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी ने मिल्टन शहर के जिमनी इलेक्शन में पाकिस्तानी नजाद ज़ीशान हामिद को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। ये नशिस्त सूबाई वजीर पर्म गिल के वफाकी सियासत में जाने की वजह से खाली हुई है। ज़ीशान हामिद मिल्टन शहर के रीजनल काउंसिलर रह चुके हैं और उन्हें मजबूत सियासी ग्रुपों की हिमायत हासिल है। वो मिल्टन के मेयर का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। खाली होने वाली इस सूबाई नशिस्त पर ओंटेरियो लिबरल पार्टी और एनडीपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया जबकि इत्तला के मुताबिक ओंटेरियो लिबरल पार्टी के नौ मुंतखब लीडर बॉनी क्रॉम्बी खुद इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकती हैं। एक प्रेस रिलीज में पीसी पार्टी ने हामिद के कम्युनिटी वर्क का अहाता किया जो तवील अरसे से मुकीम तीन मियादों तक मिल्टन काउंसिलर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने हॉल्टन और हेमिल्टन के बिग ब्रदर्स बिग सिस्टर्स के डायरेक्टर के तौर पर और हॉल्टन हेल्थ केयर हॉल्टन कम्युनिटी हाउसिंग कॉरपोरेशन और कंजर्वेशन हॉल्टन के बोर्ड्स में भी खिदमात अंजाम दी। वो फिलहाल हॉल्टन नॉर्थ के बोर्ड ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निमरा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।